समझ पर एट इक्वल टू जनरेशन या फिर नॉन एक्सेलरेशन या फिर ब्रॉड एंड डबल बात करें क्वेश्चन याद हो जाएगी बड़े तो मुझे बेटा बात करें किसी इलेक्ट्रिक ये मेरे पास दूसरे देने की कोशिश करना बेटा एक पूरे बात क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरे बात करें एक चार्ज बेटा ये है माइनस टू पूरे बात करें और दूसरा चार्ज बेटा बात करिए प्लस एच टू दोनों की पूरे बात करें बीच की दूरी आपको अच्छे से पता होती है बेटा बात करें कितनी होगी टू है वेरी गुड टू है पूरे बात करें और अगर देखें बेटा बात करें यहाँ से तो ये सेंटर बन जाएगा लगभग ये सेंटर हो रहा है ना ये हो रहा है सेंटर ये सेंटर है तो ये दूरी बात करें इसका सेंटर है ठीक तो सेंटर से बेटा बात करें किसी भी एक चार्ज की दूरी पूरे बात करें यहाँ से होता है ये दूरी क्या हो जाएगी अगर टोटल पूरे बात करें टू है तो ये भी है और ये भी क्या बेटा बात करें अरे हुई नहीं हो नहीं अच्छा पूरे बात करें एक टोटल पोजिशन पर क्या होता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से मुझे की बात करें इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालना है आप चाहो तो यदि ऊपर ले लो आप चाहो तो नीचे क्यों क्योंकि आपको पता है बेटा बात कर जो हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है वो तो ये आ रही है बात समझ में आ रही है जो सेंटर से जाएगी तो चाहे तुम नीचे निकालो तो भी उतना ही आएगा चाहे तुम ऊपर अच्छा बताओ नीचे निकालो ऊपर निकालो चलो वेरी गुड की बात कर दूंगा तो मैं नीचे निकालने वाला था आपने कह दिया क्यों क्या मजा क्यों लग रहा है तुझे बात करें कभी समझ में आ रही है तो अगर बेटा बात करें इनको जोड़ा जाए इन चार्जेस को इस चार्ज को से इस चार्ज को जी बात करें ठीक है ये पूरे बात क्या बता है वो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पी जिससे मुझे क्या निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इसको ईपी बोल दें क्या इस पॉइंट की मुझे क्या निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालना ये कौन सा पॉइंट है मैं जल्दी बोलो भैया पी पॉइंट जिससे मुझे क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की फाइंड आउट आपने देखा पूरे बात करें पता है किसी भी पी पॉइंट की जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर को की बात करने क्या बोलते हैं ओ पॉइंट बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा ओ पॉइंट और इस ओ से लेकर बात करें यहां तक की जो दूरी है पूरे बात करें पी पॉइंट की दूरी की मान ली करते आर मान ली अरे क्या मान ली आर मान ली बस समझ में आ रही है ये आर है ये पूरे बात करें एल है तो ये कितनी अगर पूरे बात का अपन कह रहे पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री का एंगल पूरे बात का समझ में आ रही है अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा तो पूरे बात करें अच्छा वैसे जो अपन को पता होता है सबसे बड़ा पूरे बात सबसे छोटे एंगल के रिश्ते में हर चीज निकालते हैं सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी एक्सिस पूरे बात ये सबसे बड़ी एक्सिस है तो इसके सामने वाला सबसे बड़ा एंगल उसके बाद ये छोटी एक्सिस है तो ये बड़ा एंगल अरे बात समझ में उसके बाद ये सबसे छोटी एक्सिस है सबसे छोटा एंगल समझ जैसे अपन ये मान सकते हैं 90 है ये पूरे बात 53 है तो ये कितना 37 अरे बात समझ में आ गई पूरे बात करें तो अगर अपन देखना चाहें बेटे बात करें अगर हमारे पास क्या है सबसे छोटे एंगल किसका एंगल बोलो सबसे छोटा एंगल ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये हाइपोटेन्यूज सबसे छोटे एंगल के रिस्पेक्ट निकालते कि निकालते सबसे छोटे एंगल के रिस्पेक्ट में लिए एंगल के सामने वाला एक्सिस क्या कहलाता है परपेंडिकुलर जिस पर हम बात करें ये बना जिस पर ये बनता है एंगल एंगल जिस एक्सिस पर बनता है उसको हम बोलते हैं बेस और सबसे बड़े एक्सिस क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूज अब आप बोलो क्यों इस पर ही बन रहा है क्या एंगल इसको अपन मान सकते बेस नहीं नहीं अगर दो जिन एक्सिस के बीच में एंगल बनता है उसमें से छोटी को मानते हैं बेस और बड़ी को मानते हैं हाइपोटेन्यूज अगर ये बड़े एंगल बना तो इन दोनों एक्सिस के बीच में बना कि नहीं बना एक ये लाइन एक ये लाइन उसमें छोटी वाली ये दिख रही है तो ये बेस है और ये वाली क्या बेटा बात करें ये हाइपोटेन्यूज बस समझ पा तो अगर पूरे बात का अपन निकालना चाहें इसके अकॉर्डिंग पूरे बताओ थीटा के अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो बताओ पूरे बात करें क्या आएगा टोटल लाइन पर निकालना चाहें इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसको टू बेस का स्क्वायर प्लस सॉरी इसको टू पूरे बात करें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसको टू पूरे बात करें क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर ये पूरे बात करें एल है और ये पूरे बात करें हमारे पास आर है तो बताओ पूरे बात ये कितना आएगा ये कितना आएगा अरे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा समझ नहीं पाता पूरे बात करें पर ये कौन आएगा जैसे इसको मैं बोलूँ ये ए है ये बी है ये सी तो मैं क्या बोल लिख रहा हूँ ट्राइंगल पूरे बात करें ए बी सी ए बी सी समझ पा समझ पा तो पूरे बात करें ए बी सी मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर आएगा पूरे बात करें कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर मुझे चाहिए ए सी तो स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या लग जाएगा पूरे बात करें इसका रूट लग जाएगा क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा
बस समझ पाए। तो इसका मतलब है कि अगर ये आर है और ये एल है तो उगले बात करिए जो हमारे पास हाई वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, जल्दी बोलो मेरा बात करें, वो आएगा उगले बात करें अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर। अगर ये इतना है तो ये भी उतना ही है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि उगले बात करिए ये आर है और ये है तो इसका ये हाइट में से ये भी कितना आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। अब मुझे उगले बात करिए निकालना है कि पी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या है, जैसे आपने कहा कि हमारे पास फर्स्ट चार्ज है ठीक है, आपने कहीं मेरा सेकंड चार्ज वो भी ठीक है, उगले बात तो अपन क्या निकालें, जल्दी बोल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड उगले बात करें पी पॉइंट ऐसा डायरेक्ट इनपुट है उसे मैंने पूरे सॉल्व कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें इंटेंसिटी एट पी पॉइंट उगले बात करें ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू उगले बात करें प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू उगले बात करें चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से उगले बात करें क्या आएगा निकालो बेटा बात करें। अगर इसको आप लिखने जाओ तो आप क्या लिखोगे ईपी सॉरी ईपी इसको उगले बात करें जल्दी बोलो क्या आएगा के उगले बात करें क्यू जिस चार्ज की वजह से निकाले वो चार्ज उगले बात करें अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, समझ पा रहे यहां से लेके यहां तक, अरे जिन दो पॉइंटों के बीच में उगले बात निकालते हैं उनके स्क्वायर ले देंगे। अगर अपन उगले बात ये मान लें कि पी पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अरे कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट, इसका मतलब उगले बात यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर होगी ना, अरे लोग ही लोग उगले बात करते ठीक है, उगले बात के स्क्वायर इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा उगले बात करें अंडर रूट उगले बात करें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर उगले बात करें, अगर अंडर रूट हटाऊं बेटा तो अपन पूरी बात के रूट में के फॉर्म में ना लेगा तो अपन बराबर लिख सकते हैं और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है, तो एक पावर तो ये रहेगी एक और पावर लगेगी टू, अरे बस समझ गया तो पूरी बात क्या पता है इसका मतलब रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर स्क्वायर अगर हटे अगर स्क्वायर लगेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ बिल्कुल कितनी प्यारे हुआ आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही बस समझ गया नहीं समझ गया ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा रहेगा फर्स्ट टाइप को मैंने मिला दूँ ये क्वेश्चन फर्स्ट सीधे से करेंगे पूरे बात करें अब क्यों इवन क्या ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट नहीं ये बोला ना ठीक है पूरे बात क्या अपन क्या देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बेटा बात करें पी पॉइंट अपन नीट के स्टूडेंट समझ कर टीचर से बड़ा लेवल तुम्हारा, तो पूरे बात क्या हमारे पास कंडीशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट ड्यू टू नहीं इसके वजह से जल्दी बोलो ड्यू टू पूरे बात करें माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाला है मतलब पूरे बात क्या करना। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है मुझे एक चीज में पूछो आपसे यहाँ मैडम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमने निकाली है और ये पॉजिटिव चार्ज से जो पूरे बात करता है किस पर पी पॉइंट पर किसकी वजह से नेगेटिव वजह से नेगेटिव मतलब फर्स्ट चार्ज है तो पूरे बात किसको बन करने से थी ई वाली अरे ई वाली ई आपको बन नहीं लिखना है आप माइनस की चार्ज की वजह से माइनस की चार्ज की वजह से समझ पा रहे कुछ तो रिवीजन करना पड़ेगा ना ताकि ये बात करना आराम से इसको देख पाओ ई वन की वजह से कितना आगे तो उतना है पर किस डायरेक्शन में ये माइनस की ये हमें कौन रखना है क्यू नॉट ये क्यू नॉट को बुलाएगा कि भगाएगा बुलाएगा कैसे बुलाएगा अपनी तरफ आ जाओ समझ पाए तो पूरे दोनों लाइन दोनों चार्ज को जोड़ने वाली एक्सियल लाइन के अलावा फोर्स हमेशा कहाँ लगता है दोनों चार्ज को जोड़ने वाली एक्सियल लाइन के अलावा तो ये अपनी तरफ से बुलाया जाती है आ जाओ मेरे पास आओ परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ आ जाओ समझ पाए तो पूरे बात करें जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पूरे बात करें किसकी वजह से ई वन की वजह से मतलब फर्स्ट चार्ज की वजह से वो पूरे बात करें कहाँ आएगी टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मतलब ये आ अगर अपन यहाँ पे निकालने जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा पूरे बात करें के क्यू जो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वेक्टर पोटेंशियल अब यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो दोनों के बीच की दूरी अगर ये पूरे बात करें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी दोनों के बीच की दूरी है
पूरे वर्ग का यहाँ पे क्या आएगा, पूरे वर्ग का अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर एसआर स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे वर्ग का होल स्क्वायर अंडर रूट हटा देगा, उसको फिर से डायरेक्ट में लिख सकते हैं बेटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूरे वर्ग का दो में, अब आपको पता है पूरे वर्ग का, अगर ये दोनों रेखाएं फिर 0 डिग्री पे लग रही होती कहीं तो दोनों जुड़ जाएंगे, अगर 180 डिग्री पे लग रही तो माइनस हो जाएगा, जैसे पूरे वर्ग का आपने देखा था एक्सेल वाले में जस्ट अपोजिट लग रही थी तो अपने सीधा माइनस कर दिया था, याद है ना कुछ, लेकिन यहां तो पूरे वर्ग का किसी एंगल पे लग रही ना, तो 180 पे लग रही ना 0 पे लग रही, दीदी बात करो आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि कंपोनेंट क्या निकालना पड़ेगा, कंपोनेंट तो कंपोनेंट पूरे वर्ग का कोई जब भी निकालना होता था, कंपोनेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी आप निकालते हो तो जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो था कॉस, क्या होता है मैडम, और जो पूरे बात करें कॉस के परपेंडिकुलर होता है वो था साइन, हमें मतलब होता है हमेशा केवल कॉस से, कॉस एक्टिव कंपोनेंट होता है, क्या होता है पूरे बात करें, अगर सोचो पूरे बात करें इसका तुम, अच्छा दूसरी बात जैसे मैंने कहा ये मेरी क्वांटिटी है, इसका यदि बात करें तुम कंपोनेंट निकालो टी टू की, तो कैसे निकालोगे, एक तो यहाँ पे नहीं आएगा और एक यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जिसके तुम पूरे कंपोनेंट निकालते हो उसको बीच मानी चाहिए, क्योंकि तुम उसको जब कंपोनेंट पे लेकर बोलते हो ना तो इसको हम रिजल्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं रिजल्टेंट, ये बात समझ में आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं मेरा तो इवन इधर जा रहा है, अगर इवन इधर जा रहा है तो कंपोनेंट रेस थोड़ी दे सकते इस तरह, अगर रेस लोग तो बाहर निकल गया, मुझे पूरे बात करें अगर मैं एक डिग्री कंपोनेंट इधर ले रहा हूँ तो दूसरा इसका परपेंडिकुलर इधर ही आएगा, बात समझ में आ रहा है, मुझे हमेशा इसको क्या बनाना पड़ता है रिजल्टेंट, क्या बनाना पड़ता है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा बेटा बात करें कि जो हमारे पास E2 है वो पूरे बात करें इस डायरेक्शन, तो उसकी कंपोनेंट पूरे बात करें इसको पूरे बात के बीच में ले दोगे बनाए, इसको बीच में ले दोगे, इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट अपन पूरे बात करें कहाँ बना सकते हैं ना ऊपर, समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है, अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप बिल्कुल आपसे सटाक से जुड़ोगे, समझ पाओ ये किसका कंपोनेंट है जिसको मैंने बोला बेटा E2, अब मैं इसको E2 cos बोलूं कि sin बोलूं, तो दूसरा बनेगा बेटा इस तरह sin, वेरी गुड, अब इसका आंसर भी सोच रखा हूं चाहे कभी बोला है, लेकिन कौन सा आ जाएगा E2, पर ये cos होगा कि sin, पूरे बात करें नीचे वाला cos है ऊपर वाला sin है, कैसे सोचा आपने, क्योंकि वो एंगल जिसमें बनता है वो cos है, एंगल जिसमें बनता है वो cos, मतलब आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो, कैसे सोचा कि नीचे वाला cos ऊपर वाला sin, कैसे सोचा वो मैंने सोच पाया ना, मुझे पता भाई हो सकता है तेरी बात कर जो मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कुछ और आपने अच्छा सोचा हो, समझ पा रहे हो, जब मैंने कहा बेटू बात करें अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पूरे बात करें हम कंपोनेंट लेते हैं, कंपोनेंट में एक्टिव कंपोनेंट cos होता है, इसका मतलब cos का परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा sin होता है, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, समझ पा रहे cos दीदी कौन सा होगा इसमें से, अगर मैं E2 के कंपोनेंट लिया एक ऊपर एक बेटा बात करें इसका परपेंडिकुलर, समझ पा रहे, अगर ये पूरे बात करें हमारे पास cos है तो फिर ये sin, अगर ये बेटा sin तो ये cos है, दोनों से एक तो cos sin तो है लेकिन एक्टिव कौन सा है, आपको पता है क्या निकाल रहा है, पहले दिमाग में होना चाहिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बात करें कि डायरेक्शन हमेशा आपको अच्छे से पता होता है, पूरे बात करें कहाँ होगा एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ होगा, मतलब होगा यदि बात करें तो चार्ज की डायरेक्शन, समझ पाए, और चार्ज पूरे बात करें तुम्हारे पास कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में मैडम कि वाई डायरेक्शन में, चार्ज तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन में, मतलब पूरे बात करें हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, पर वो है कहाँ पर मैडम एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में पूरे बात करें हमारे पास जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बात समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक पूरे बात करें डाइपोल के पैरेलल या एंटी पैरेलल ही निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा कॉस, क्या आएगा मैडम कॉस, ये बात समझ में आ रही है, अगर अपन ये बात करें पूरे बात करें इसका जस्ट अपोजिट साइन ले लेना और दूसरी बात करें उसको दूसरे को कॉस लेके हटा देना, समझ पाए, तो हटाने वाली बात नहीं है, पता होना चाहिए कि अपन पूरे बात लॉज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आई हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बात के इलेक्ट्रिक डायपोल से निकालो, इलेक्ट्रिक डायपोल पूरे बात कहाँ रहता है एक्स डायरेक्शन में, तो पूरे बात के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही आएगी, अब ये दीदी बात करें कैसे आएगी, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ये अच्छे से पता है अपन को कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी आएगी एक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा मैडम एक्स डायरेक्शन में, एक्टिव कंपोनेंट जो कॉस होगा वो कहाँ होगा एक्स डायरेक्शन में होगा, बात समझ में आ रही है, इसलिए पूरे बात का बोलते हैं कि ये जो हमारे पास है E2 ये कौन सा है ये कॉस है, कौन सा है ये कॉस है, बात समझ में आ रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें E2 पूरे बात करके हमारे पास ये कौन सा है कॉस थीटा, ये कौन सा है कॉस थीटा, इसको बोल दी थी बात के हमारे पास क्या बोला मैंने बेटा बात करें E2 cos पूरे बात करें थीटा, अरे बोला E2 पर दी थी E2 पर दी थी
cos थीटा मतलब ये निकाल लेंगे। अब मुझे बेटा बात करें बता कितना थीटा है इसके साथ, इसके साथ दीदी की बात करें क्या एंगल बनाया। अब आपको पता है मुझे बात करें ये वाला एंगल एग्जैक्ट दीदी बात करें हमारे पास बेटा ये एंगल बन क्यों दीदी की बात करें एक एक्स और दूसरा बेटा बात करें हमारे पास एक एंगुलर एक्सिस तो पूरे बात करें इसी के जस्ट पैरेलल है। अगर मैं उसको उठा के बेटा बात करें यहाँ रखें ये वाली लाइन कोई तो दीदी ये कोई तो लाइन पे लिखी है ना समझ पा इस लाइन को तुम उठा के यहाँ रखो। तो अगर बेटा ये थीटा है भैया ये थीटा है तो अगर मैं यहाँ पर बेटा इसको उठा के यहाँ रखूँ तो ये भी तो थीटा ही होगा, इसको उठा के यहाँ रखूँ ये भी तो थीटा ही होगा। अरे होगा किसी को उठा के तो मैंने यहाँ रख दू ये भी कितना है थीटा है। मतलब पूरे बात करें जो एंगल हमारे पास ये थीटा आया ना ये वाला थीटा वो तो पूरे बात करिए थीटा बस समझ जा रहे हैं इस एंगल से लेके क्योंकि ये तो निकाल ही नहीं पाओगे ये थीटा कैसे निकले क्योंकि मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए और यहाँ से तो एंगल निकलेगा एंगल में ही से निकल सकता है क्यों क्योंकि पूरे बात करें एंगल निकालने के लिए अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो मुझे पूरे बात करें क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए मुझे नहीं चाहिए कॉस निकालने के लिए अपन क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए पूरे बात करें साइन चाहिए होता तो दीदी बात का बन क्या करते परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेके आते और मुझे कॉस चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। अब इसमें पता है कुछ पता है बात करें कि इसका बेस कौन है इसका ये परपेंडिकुलर है अरे समझ में आया ये दीदी बात किसका परपेंडिकुलर है ये दीदी बात किसका क्या बेस है ये हाइपोटेन्यूज बस समझ पा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पर एंगल बना वो दीदी बात करें क्या बेस और उसे सबसे बड़ा एक्सिस क्या होगा पूरे बात करें समझ में आ रही ठीक है। अब अगर अपन देखना चाहते हैं बात करें ये कॉस थीटा हो गया तो पूरे बात करते हैं ये क्या होगा ई टू साइन थीटा अरे हुआ बेटा कि नहीं पूरे बात करें क्योंकि ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना ही समझ पा रहे क्योंकि बेटा बात करें अपन पता ये क्या हमारे पास पूरे बात करें किसी एंगल को पूरे बात करें टू सिमिलर एंगल में पूरे बात करें सेपरेट करने वाला एक्सिस समझ में आ रहा है पूरे बात करें तो अगर ये एंगल हमारे पास थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा अरे थीटा होगा ये नहीं होगा। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात हमारे पास ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है आप बचाना मुझे पूरे बात करें इवन का इवन के कंपोनेंट निकालने अगर आप जाओ इसके पूरे बात करें कंपोनेंट भी कैसे मिल जाएंगे इसके कंपोनेंट पूरे बात इवन को अगर मुझे इसको कंपोनेंट निकालना तो इसको रिजल्टेंट मान के बीच में रखना पड़ेगा बेटा बात करें इसका भी यदि एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा कॉस होगा। अगर यदि बात करें तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरे बात करें एक्सेस हमेशा पूरे बात करें किसके अकॉर्डिंग आएगा डाइपोल के एक्सेस में आएगा। अगर पूरे बात करें डाइपोल एक्स डायरेक्शन में तो पूरे बात करें इवन का एक्टिव कंपोनेंट भी कहां पर आएगा एक्स डायरेक्शन में इसका मतलब पूरे बात करें एक पूरे बात करें उसका ये कंपोनेंट बनाऊंगा अरे बनेगा बेटा क्यों नहीं बनेगा और एक पूरे बात करें हमारे पास क्या बनेगा अगर ये इवन है तो ये क्या बन गया बेटा बात करें इवन जैसे बोलो बेटा कॉस थीटा और दूसरा पूरे बात करें बताए कॉस के परपेंडिकुलर क्या आएगा साइन वेरी गुड तो ये क्या कर लो पूरे बात करें इवन साइन कितना होगा आपको अच्छे से पता है बात करें ये वाला जो एंगल है क्योंकि हमारे पास जितना एंगल होता ही अगर ये जितना एंगल है वो एंगल ये भी तो उतना ही एंगल अरे ये भी तो वही थीटा है कि यार क्यों पूरे बात करें क्योंकि आपको बता पूरे बात करें ये सेम एक्सेस है देख रहे हैं आपको ये एक्सेस पूरे इसको आगे बढ़ा देते हैं और ये पूरे बात हमारे पास सेम एक्सेस है। अगर इसी एक्सेस को तो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ एंगल तो सेम आएगा आएगा क्या बोलोगे इसको पूरे बात करें कौन से एंगल कहना देंगे अल्टरनेट एंगल वेरी गुड पूरे बात करें इसका मतलब अगर ये थीटा तो ये पूरा कितना आ जाएगा जितनी पूरे बेटा बात करें ई वन कॉस आया कि नहीं हमने ये देखा पूरे बात करें कि दो एंगल एक डायरेक्शन में आ रहे दो पूरे बात करें एंगल क्वांटिटी और दो बेटा एंगल क्वांटिटी जस्ट अपोजिट आ रहा है और हमको पता है पूरे बात करें ई वन ई टू की वैल्यू क्या है ई वन इक्वल्स टू है बेटा बात करें ई टू उठा के देखो ई वन ई टू क्या बराबर है नहीं समझ में आया। अगर पूरे बात करें हमारे पास ई वन ई टू बराबर है तो पूरे बात करें ई वन ई टू और साइन थीटा तो बराबर ही होंगे सिमिलर समझ में आया मतलब एंगल भी क्या है सेम है एंगल सेम है क्वांटिटी सेम है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे वन एटी पर है इसका मतलब जितनी ये क्वांटिटी बेटा उतनी क्वांटिटी है बिल्कुल अगर पूरे बात का मैंने ये कहा चुकी बेटा ये क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी जिस पूरे बात कर जिसको वन एटी डिग्री एंगल बना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड या अपवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड है तो ये दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो चार कंपोनेंट में से दो कंपोनेंट तो ब्रेक गए बचे दो कंपोनेंट समझ में आया और दो कंपोनेंट पूरे बात किसमें जीरो डिग्री का है अगर जीरो डिग्री पर बात करें तो दोनों क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे वेरी गुड पूरे बात करें दोनों की फिजिकल क्वांटिटी अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी का सेम डायरेक्शन तो जुड़ जाती है समझ पाए इसका मतलब बेटा बात करें इनेट निकालना चाहूँ क्या निकाल रहा हूँ
मुझे बात करें, मतलब इसको बोल सकते हैं मुझे बात करें क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बात करें इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, समझ पा रहे हैं? इसको बोल सकते हैं आप ई पी, ई पी मतलब क्या मुझे बात करें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आ जाएगी जल्दी बोल मुझे बात, ई वन ई टू बराबर है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं ई वन प्लस ई टू बोलो, ये पूरे बात क्या ऐसे ही बोल सकते ना, उसको पूरे बात करें टू ई टू बोल दो या टू ई वन बोल दो, टू ई टू बोलो या क्या बोल सकते टू ई वन, अगर मैं कह रहा हूँ कि इवन ई टू बराबर है तो अपन ई टू को इवन मान लो, तो इवन प्लस इवन टू इवन आ गए, और अगर तुम बोलो कि इवन को मैं ई टू मान लो तो ई टू प्लस ई टू टू ई टू आ जाएगा, अरे आएगा तो क्या आएगा, पूरे बात कर अब सीधा निकाल तो हमारे पास कुछ दिक्कत होगी, बताओ जरा बेटा बात कर कितना आएगा ई जो नेट आएगा वो कितना आएगा, निकाल टू इंटू इवन की वैल्यू एक कुछ भी लिखो, अरे लिखो जरा कितना आ रहा है के क्यू अपॉन पूरे बात कर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बात कर, समझ पा अच्छा इतना ही आया कि इसका स्क्वायर लगा दो बात करें, इसका स्क्वायर क्या को लगा था, इसको स्क्वायर का रूट था ना, ये रूट का स्क्वायर करने वाली यार ठीक पूरी बात करें, साथ में क्या लगा ई वन क्या था पूरी बात करें सॉरी टू ई टू टू ई वन, अगर मैं ये कहूँ पूरे बात करें ई वन ई टू क्या था बराबर था, इसकी नेट वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो मेरे बात करें ई वन कॉस थीटा प्लस दीदी बात करें क्या जल्दी बोलो मेरे बात करें ई टू कॉस, जब मैंने कॉस लिखा था ना बेटा पूरे बात करें, या फिर इसको बोल दूँ दोनों बराबर तो ई वन ई टू कर दिया तुम्हें कितना आ जाएगा टू ई वन कॉस थीटा या फिर टू ई टू कॉस थीटा, अरे बात समझ में आ रही टू आपने लिखा है पूरे ई टू की वैल्यू क्या लिखी है ई वन की वैल्यू क्या लिखी है क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी वो पूरे बात कर, अच्छा कॉस थीटा कितना होगा बेटा बात कर कॉस थीटा को निकाल के देखो कॉस क्या होता है पूरे बात, चाहे इसको देखो चाहे इसको पॉइंट देखो किसी का पॉइंट देखो कॉस क्या होता है क्योंकि इससे तो निकल नहीं पाएगा यहाँ पर नहीं पूरे बात कर, समझ पा रहे कॉस निकालने की कोशिश करोगे क्योंकि कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइब्रिड में इसका अकॉर्डिंग बेस क्या बेटा एल है, अरे है कि नहीं है ये एल है ना, तो एल अपॉन हाइब्रिड क्या की बात करिए इसका मतलब क्या है अंडर रूट, वेरी गुड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही है, तो कॉस की बात करिए देखो आप यहाँ इन टू पूरे बात करें एल अपॉन अंडर रूट जी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन दीदी अंडर रूट बोल रही है अंडर रूट की हम इसकी पावर वन बाई थ्री, अरे अंडर रूट जो था उसका पावर वन बाई थ्री सकते हैं, अब तुम्हें ये पता चलेगी पूरे बात की इसकी पावर कितनी है वन, कुछ नहीं तो पावर वन है ना पूरे बात कर एल को मल्टीप्लाई इसमें कितना आ रहा है बेटा बात कर टू के क्यू इंटू एल अपॉन पूरे बात कर पता है अगर बेस सिंगल तो पावर जुड़ जाती है एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बेस क्या है सिंगल तो पावर जो जुड़ जाएंगे अपने बेस को समझ लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दीदी बात करें एक और आधा क्या होगा डेढ़ क्या बोलते हैं डिवाइड क्या बोलते हैं डिवाइड ये तुम्हारा बड़ा मानस है पहले पूरे बात करें कि फिर इंटेंसिटी अगर मुझे ठीक बात कर निकाल रही है फॉर्मूला क्या है टू के क्यू एल अपॉन पूरे बात दीदी बोलो आर स्क्वायर प्लस की पावर कितनी मैं फॉर्मूला लेकिन अगर दूसरी बात करें इसके अलावा वही किस लगाते हैं इफ तो पूरे बात क्या पता है वैल्यू ऑफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एल अगर जो आर है आर की जो लंबाई है आर की दूरी है वो एक कम टाइम क्या है बहुत बहुत ज़्यादा है पूरे बात कर देखो ना ये कितना बेटा ये आर ये बात करिए पाँच मीटर है तो ये कितना मीटर दो मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा इसका मतलब है कि इसको मैं क्या मानेंगे नेगेटिव मान के हटा दे अरे हटा दूंगी वैसे तो नेगेटिव मान के हटा रहा है मतलब ये कहीं से गया कुछ नहीं अगर पूरे बात की कोई छोटी क्वांटिटी होगी तो पूरे बात करें पता है प्लस या माइनस करते हम उसको नेगेटिव मान के हटा सकते लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे तो हटा नहीं सकते जैसे मैं आपसे यही कहूँ पूरे बात करें कि अगर एक लाख रुपये में पूरे बात कर बता एक जोड़ या पॉइंट वन जोड़ जैसे पॉइंट वन जोड़ क्या इफेक्ट पड़ेगा वन लैख में अगर पॉइंट वन जोड़े तो क्या इफेक्ट पड़ता है कोई इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन यदि बात करें वन लैख में पूरे बात कर पता है पॉइंट वन माइनस कर रहा तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन अगर पूरे बात कर इसका मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक जोड़ कैंसिल हो जाएगा एक लाख से वो दस हज़ार बच जाएगा बात समझ पा रहे और अगर पूरे बात कर पता है इसमें तुम एक लाख में पॉइंट वन का डिवाइड कर रहे हो याद है तो पूरे बात कर आपको पता है जीरो पर बढ़ जाए तो इसका मतलब इस दस लाख हो जाएगा तो डिवाइड करते समय और दीदी बात कर गया तो मल्टीप्लाई कर रखा उसको हटा नहीं सकते छोटे नंबर में लेकिन अगर पूरे बात कर पता है वो प्लस कर रहा है माइनस कर आराम से अगर क्योंकि उसका इफेक्ट लगभग नहीं पड़ता तो अगर मैं आपसे एक मीटर बात करें यहाँ पर यह हट जाएगा अगर ये देखा तो क्या पूछेगा ज्यादा नहीं कुछ टू के क्यू एल अपॉन पूरे बात करें आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई थ्री क्योंकि तो कैंसिल हो गया तो मतलब क्या आ गया आर क्यू आ गया क्या मतलब क्या आ गया आर क्यू पूरे बात करें कितना इसी वैल्यू को मैंने क्या बोलेंगे
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर आई वो कितनी है टू ए क्यू एल पूरे बात का समझ पाए टू ए क्यू एल अपॉन यानी बोलो आर जी आर एन। अब इसके पूरे बात का इसको अपन पी के टर्म में लिखते हैं, इसके टर्म में लिखते हैं पी के टर्म, तो वही नहीं हो रहा है बात कर कुछ कैसा हो रहा है कुछ वैसा हो रहा है, चार की जगह टू आ रहा है, फोर के क्यू एल अपॉन आर की पूरे बात कर टू के क्यू एल अपॉन आर क्यू आ गया, अरे नहीं आया क्या आगे पूरे बात करें। अब इसको अपन देखें बेटा बात करें क्या याद है कुछ किसी पूरे बात कर लेकिन डायपोल का डायपोल में लिखा है कोई एक चार्ज दोनों चार्ज के बीच दूरी दोनों चार्ज के बीच दूरी अपने टू एल मान तो टू एल कोई और एक चार्ज इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा पी पी। तो पूरे बात करें इसको चाहूँ तो थोड़ा सा अरेंज कर दो तो ऐसा लिख सकता हूँ के क्यू इन टू टू एल लिख सकता हूँ और क्यू इन टू टू एल बात करें क्या पी एल अरे बात समझ में आएगा समझ में आ रहा है अपॉन की बात करें आर पी तो इसको पी के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे के पी अपॉन आर क्यू वहाँ क्या आया टू के पी अपॉन आर क्यू यहाँ पे क्या आया के पी अपॉन आर क्यू बात समझ में नहीं आया पूरे बात करें। अब बस दूसरी बात करें ये तुम्हें बस याद रखना कैसे आया क्यों आया ये तुम्हारे काम का है काम का क्या है ये फॉर्मूला। इसी बात करें कुछ अगर हमारे पास तो ऐसे बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं जिनका कोई लिमिट टाइम लेस है उसका अच्छा पूरे बात का इफेक्ट ये है कि हाँ ट्वेल्थ के हिसाब से तुम्हारा जो होगा मैं जरूर था बताऊंगा या फिर तुम अगर क्लास नंबर नहीं उठा पा रहे तो उसको पर क्या करेंगे अलग से आपको प्रॉब्लम बता देंगे समझ पा रहे। लेकिन हर पूरे बात करें पता है इतने बड़े डेरिवेशन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे इलेवन ट्वेल्थ तो अपन नहीं कर रहे अपना काम है नीट तो अपन पूरे बात करें ये टारगेट करना चाह रहा है कि इतने समय में कुछ कुछ दो चार क्वेश्चन आपको करा दे तो आपको उस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस भी समझ नहीं आता समझ पा रहे क्योंकि टॉपिक समझ में किससे आएगी न्यूमेरिकल से तो न्यूमेरिकल अपने कराना चाह रहे। अच्छा फिर देखा उसमें देखा था पी 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 पॉइंट लेके पूरे बात करी जाएगा किस पर डिपेंड करिए के पे डिपेंड करिए के तो कॉन्स्टेंट है पी पे डिपेंड करें अरे पी तो कॉन्स्टेंट है इसलिए पी पूरे बात करें डायपोल का डायपोल तो कॉन्स्टेंट होता है क्यों चार्ज कॉन्स्टेंट है दोनों के बीच दूरी फिक्स है तो पूरे बात करके अपन किस पर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर मतलब बोले तुम किसको चेंज कर सकते इस पॉइंट पे और पास कर सकते हैं कम कर सकते और दूरी जा सकते हैं सकते और कम और बढ़ा सकते नहीं कर सकती है कर सकते मतलब पूरे बात क्या पता है डिस्टेंस के इस क्यू पर पूरे बात करें क्या है डायरेक्टली इनवर्स इनवर्स हो जाए तो जो ई पी है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे बात करें वो डिस्टेंस के पूरे बात करें क्यूब के इनवर्स पे पूछ रहे और बना पॉइंट डिस्टेंस की क्यूब के डायरेक्टली पूछ रहे अगर वो कह रहे हैं बना पॉइंट ही तो फिर इस पूरी क्वांटिटी के क्या है डायरेक्टली लेकिन इसके क्या है इनवर्स ये बात समझना। अच्छा यहाँ ग्राफ बनाना चाहूँगा ग्राफ वैसे बनेगा की बात करें तो से बनेगा एग्जैक्ट बनेगा अगर आप पीछे बात करें अभी ग्राफ बनाना सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे तो पूरे बात करें यहाँ पे दोनों देखो ग्राफ आ रहे अगर इसको तुम देखिए बात करें वाई इसको पूरे ब्रैक्स पर रखते हो तो वाई डायरेक्ट पूछते टू एक्स आंसर का ये बनेगा स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा बेटा बात करें स्ट्रेट लाइन। आपने यहाँ पे दिया वन अपॉन आर सी यहाँ पे दिया बेटा बात करें क्या तो ये ग्राफ बहुत लोग क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बनाने की जरूरत नहीं है बुक में आपने देखो सूट कर दिया बात करें ये हमारी बात ग्राफ नहीं है लेकिन अगर आप ये बनाना चाहते हो बेटा बात करें एक्स एक्स पर आप आर ले रहे हो तो मुझे बताओ वाई एक्स पर क्या ले रहे हो तो आपको पता है अब ये इनकरिलेशन इनकरिलेशन कैसा है अगर तुम इनको देखना चाहोगे इसका इसके साथ रिलेशन कैसा है इनवर्स आ गया तो पूरी बात कर यहाँ पे क्या है हाइपरबोल मतलब y इनवर्स पोजीशन टू बना और x वाला कांसेप्ट लग रहा है तो यहाँ की बात करेंगे इसको हम बोलते हैं हाइपरबोल पूरी बात कर बस समझ पर मैं आपसे अगर पूछूंगा मतलब यहाँ पे पूरी बात करें इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है हमेशा पूरे बात का डायपोल के अंदर डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो तो पूरे बात करेगा होगी यदि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो भाई साहब नहीं है नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पता चला नहीं पता चलता किसकी डायरेक्शन बताई जाती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फिक्स है लेकिन पूरे बात कर रहे हैं तो कहूँ आपसे कि इक्वेटोरियल पोजिशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आई वो ये उसकी डायरेक्शन का है क्योंकि अगर ये हमारे पास इस वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में है इसकी डायरेक्शन जो पूरे बात कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जा रही है ना इस तरफ डायरेक्टेड है इस तरफ डायरेक्टेड है आपने जब कंपोनेंट निकाला इसका इस तरफ गया कि नहीं गया कंपोनेंट जब इसका निकाला तो वो भी इस तरफ जा रहा है मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ है पॉजिटिव टू नेगेटिव ये पॉजिटिव से दूर जा रही है नेगेटिव की तरफ जा रहा है इसका मतलब पूरे बात करेंगे अगर यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन चाहिए क्या चाहिए बेटा बात करें डायरेक्शन तो डायरेक्शन ये बात करें ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो कहाँ जा रही है पूरे बात करें वो जा रही है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो ये है पूरे बात करें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर अपन बोले पूरे बात करें डायपोल मूवमेंट तो वो इनकी बात करेंगे दोनों कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है अरे जा रहा है इसका मतलब मैडम यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है अरे क्या आएगा
फ्री बात करना, समझ पा, छुपने बात का वो आएगा वही जीरो पॉइंट आएगा। जीरो कैसे कैसे कर सकते, कैसे कर सकते, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये कैसे कहाँ होगा, किससे किससे कहते हैं, कभी भी कैंसिल करने के पता है, दो सिंगलर जो बात करें सिंगल पॉइंट की बात है, एक डायपोल मोमेंट है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कैंसिल कर पाएगा दूसरे, एक न्यूटन पर कूलम, एक कूलम इनटू न्यूटन, कैसे कैंसिल करेंगे। हाँ तुम्हें अगर साइन में कोई दिक्कत आ रही तो ऐसा कर लो मैडम, आप ऐसा भी लगा सकते हो कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाए जल्दी बताओ, बेटी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव और वो डायपोल मोमेंट कैसा है, वो भी क्या बन पड़ा है, तो वही ना मुझे बात जस्ट कहाँ जा रहे अपोजिट जा रहे, मतलब इनके बीच में मतलब मुझे बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट का एंटी पैरेलल है, कैसा है, एक ही डायरेक्शन में हो तो पैरेलल, अगर पूरा अपोजिट डायरेक्शन तो क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल, तो पूरे बात कर ये सारी बातें बेटा लिखने की कोशिश किया, समझ पा। दूसरी कंडीशन पूरे बात कर, यहाँ पर करें बात करें कि व्हाट इज द रिलेशन पूरे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे बात इंटेंसिटी एंड एक्सियल एंड पूरे बात करें इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल अगर कभी तुम निकालने जाओ अगर एक्सेल का निकालिए तो आपको इक्वेटोरियल का निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट क्या कर दो डबल कर दो, अगर इक्वेटोरियल में निकाल दिया तो एक्सेल की निकालने की जरूरत नहीं है, आप पूरे बात करें क्या करो, बिल्कुल अगर इक्वेटोरियल का निकाल दिया और एक्सेल का चाहिए तो इक्वेटोरियल में टू टाइम्स कर दो, अगर एक्सेल का निकाल दिया इक्वेटोरियल चाहिए तो टू का भाग लगाओ आधी कर दो, क्या करो आधी कर दो। मैंने कहा कि एक्सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की पूरे बात की जो वैल्यू है वो है 20×10⁶ न्यूटन पर कूलम। If the value of electric field intensity at axial point due to electric dipole is 20×10⁶ newton per coulomb, then find out electric field intensity due to equatorial due to पता है position due to at due to same parameter या for same parameter, सभी due to parameter same है, बस अपन चले कहाँ गए इक्वेटोरियल पे चले गए, है ना, मतलब चेंज दूरी नहीं चेंज की आपने, बुरे इलेक्ट्रिक डायपोल चेंज नहीं किया, सब कुछ वही कभी सेटअप है, तो इसका मतलब क्या करोगे, आधा करोगे कि टू टाइम्स करोगे, आधा, क्योंकि ये कहा है मैंने मैडम, ये कहा है 20×10⁶ न्यूटन पर कूलम, और मुझे ये चाहिए, तो जिसको चाहिए तो इसका मतलब इस टू को नीचे ले जाओ ना, अगर टू को नीचे ले जाओगे तो टू का डिवाइडेशन हो जाएगी मुझे, तो ये आ जाएगी, आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10×10⁶। अब मैं ये कह रहा हूँ बात कर, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पूरे बात करें पॉइंट इज, समझ पा, 0.5×10⁴ पूरे बात करें 4 न्यूटन पर कूलम, 0.5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड आउट पूरे बात करें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पूरे बात करें एक्सियल पॉइंट फॉर सेम पैरामीटर, सभी पैरामीटर सेम हैं उनके लिए, एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा, इक्वेटोरियल का मैंने क्या कहा है, इक्वेटोरियल का क्या कहा है दीदी, वेरी गुड, इक्वेटोरियल का कहा दीदी, बात करें 0.5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो पूरे बात करें क्या करना आपको, एक्सेल का चाहिए ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई मारो, तो 2 का मल्टीप्लाई मार के क्या होंगे मिल जाए दीदी, बात कर सीधा आ गया 1×10⁴, क्या आ गया, समझ नहीं आ रहा, आ गया कि नहीं आ गया, तो पूरे बात करें इस तरीके से क्वेश्चंस कर लोगे नहीं कर लोगे, पूरे बात करें कर लोगे, अच्छा एक क्वेश्चन बनाओ मेरा बेटा, बात करें ठीक है चलो कर दो, तो इसको लोड कर दो, है ना।